उस दिन दशहरा का दिन था, विसर्जन माता विसर्जन का दिन था, तो उस दिन पाँच बजे हम लोग की छुट्टी हो जाती है सिलाई कारीगर। तो माता देख मतलब दर्शन करने देखने निकले थे हम लोग। उसके बाद एक जगह पर जूस मिल रहा था, वहाँ पर जूस पिए और वहाँ से वापस आ रहे थे, तो पीछे से तो मतलब आवाज़ हुआ, मेरे को लगा माहौल ही वैसा था कि जैसे पटाखे वटाखे लग रहे हैं, और मुझे लगा पटाखे लगे हैं और मेरे पैर में मतलब मेरा पैर एकदम जम गया उस जगह पे। मुझे लगा कि पटाखा पैर पे ही लग गया है, लेकिन जब देखा तो खून निकल रहा था और फिर अचानक से भगदड़ मच गई और लोग बोले कि फायरिंग हो रही है। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ लगड़ाते मंदिर तक गया और प्रशासन के कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे अंदर मंदिर के अंदर बिठाया और उसके बाद वो हॉस्पिटल तक लाया। बाकी हॉस्पिटल में उन्होंने पूरी हेल्प की हमारी, मुझे वही तो नहीं पता था क्योंकि माहौल ऐसा था कि मतलब विसर्जन का माहौल था तो फटाके ही लग रहे थे, तो मुझे लगा फटाके लगा है। लेकिन जब कुछ लोगों ने चिल्लाया ना कि फायरिंग हो रही है तब पता चला कि फायरिंग हो रही है। बाकी कुछ उस बारे में कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ है, बाद में कुछ लोगों द्वारा पता चला क्या ऐसा हुआ है। मदद क्या सर, अब तो पैर में गोली लग गई है सर, 2 महीने में शादी है सर की सर, अगर आप लोगों ने कुछ करवा तो सही रहता ना, 2 महीने कुछ कर नहीं पाएंगे हम इस मोहन में पैर देखने के बाद।